हे फूडीज, आज मैं आपके साथ हॉस्टल वाला पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी, क्विक, टेस्टी, अमेजिंग, डिलीशियस और पता नहीं क्या क्या बनता है। चलो इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसको अच्छे से गर्म होने दो, और जब वो अच्छे से गर्म हो जाए उसमें ग्रेटेड जिंजर और ग्रीन चिली डाल के हल्का सा सॉटे कर लो। आप इसमें गार्लिक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि गार्लिक अगर मैं छीलने बैठूं और उसको काटने बैठूं तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो वो क्यों नहीं कहलाएगा। तो आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, बट मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बना रही हूँ। ठीक है। तो फिर इसमें डाल दो कैप्सिकम और सॉल्ट और अच्छे से सॉटे कर लो। गाइज, आपने इसमें कुछ नोटिस किया क्या? अगर आपने सेम चीज़ नोटिस किया जो मैं आपको बताना या दिखाना, जो भी कह सकते हो, चाहती हूँ, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फिर कैप्सिकम जब अच्छे से सॉटे हो जाएगा तो इसमें डाल दो अनियंस, 1/3 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, और डाल दो 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि क्या कहते हैं, धनिया का पाउडर, और एक बार मिक्स कर लो। गाइज, मैंने इसको हॉस्टल वालों के लिए स्पेशल इसलिए कहा है, मतलब हॉस्टल वाला पास्ता इसलिए कहा है क्योंकि ना क्या होता है, मैंने बस सुना है ऐसा कि हॉस्टल में जंक फूड खाना अलाउड नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चोरी छुपे बनाते हैं, मतलब किसी को पता ना चले ऐसा, तो बहुत ही क्विक बनाना चाहते हैं वो, जो भी बनाए बहुत ही क्विक बनाना चाहते हैं कि वो बना भी ले, खा भी ले और किसी को पता भी ना चले ऐसा वाला। ठीक है, तो फिर जब ये वेजीज वगैरह सब कुक हो जाए तो इसमें बॉइल्ड पास्ता डाल दो। इसको बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं, अपार्ट फ्रॉम कटिंग द वेजिटेबल्स और बॉइलिंग द पास्ता ऑब्वियसली। फिर मिक्स कर दो अच्छे से, ये रेडी हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज, आई मीन फूडीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो हॉस्टल में रहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय, सी यू लेटर फूडीज़।